एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज के इस वीडियो में आपको सीटेट के नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, अगर आप सीटेट का, जैसा कि आपको जानकारी है कि सीटेट में दो पेपर होता है, पेपर वन कक्षा एक से लेकर पाँच तक और पेपर टू सिक्स टू एट तक, तो पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सोशल साइंस है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सिक्स से एट अर्थात पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सोशल साइंस है तो आपको एनसीईआरटी का बुक, सोशल साइंस का जो चार बुक होता है, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, उसमें सिक्स का, सेवन का और एट का, तीनों को आपका पढ़ेंगे तभी जो है अच्छा से आप तैयारी कर पाएंगे। तो इसी सीरीज को देखते हुए हम आपको आज क्लास सिक्स का, देखिए ये क्लास सिक्स का है और इस बुक का नाम है, ये देखिए, हमारा अतीत, भाग वन कक्षा सिक्स के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, और ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर इसी से आप तैयारी करते हैं पूरे एनसीईआरटी से तभी जो है आप जो है अच्छे से मार्क्स जो है सीटेट में पा सकते हैं। ओनली गाइड पढ़ेंगे तो गाइड में इतना संभव नहीं है। तो अभी जो हम ये किताब आपको दिखाए, इसी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ के हम ये नोट्स पीडीएफ के रूप में बनाए हुए हैं और उसी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ जो है मिलेगा और आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो है आ सकते हैं। एक बात और करना चाहते हैं कि जो हम पीडीएफ बनाए हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर जाकर आप जो है हमारा एजुकेशनल जो चैनल है टेलीग्राम पर, उसका नाम है एबी जानकारी, तो लिंक के माध्यम से वहां जाकर उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी साथ इस वीडियो के समापन यहां इस मैटर को बंद कर रहे हैं और सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर सीधे दिखाते हैं कि कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन है इस पाठ में, पहला पाठ में, जो कि आपको सीटेट की तैयारी के लिए जानना चाहिए था। अगर आप सी टेट का पेपर टू अर्थात सिक्स से एट के लिए सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिक्स, तो अगर आप साइंस नहीं बल्कि आर्ट्स है और आपका पेपर जो है इस सोशल साइंस है तो उसी की तैयारी के लिए ये हम आपको जो है वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो 100% एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और यह जो बुक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान और बुक का नाम है हमारा अतीत वन कक्षा सिक्स के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, और इसी को पूरा तरह अध्ययन करके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से सीटेट की तैयारी में आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं और जैसा कि जानते हैं कि पहला पाठ जो है कक्षा सिक्स में सोशल साइंस में इतिहास का, जिसका नाम है वहाँ हमारा अतीत भाग वन, तो उसका नाम जो पाठ के है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले हमने इसके काफ़ी गहनता से अध्ययन किया और इसको लिख करके आपके लिए नोट्स बनाया जिससे कि आपको कोई भी परीक्षा में प्रश्न छूटे नहीं। तो पहला है यहाँ पे जानकारी योग्य जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुलेमान एवं, ध्यान दीजिए, सुलेमान एवं किथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलेमान एवं किथर पहाड़ियाँ भारत किस क्षेत्र में है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुलेमान एवं किथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, यानी कि उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में सुलेमान एवं किथर की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिए ये है अभी जो ऊपर हम बताए यह है उत्तर पश्चिम के बारे में है कि सुलेमान एवं किथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सुलेमान एवं किथर पहाड़ियाँ के आसपास लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए 8000 वर्ष पूर्व, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो ये भी एक जानकारी आपको हो गई कि जो है सुलेमान और किथर पहाड़ियों के आसपास 8000 वर्ष पहले गेहूं एवं जौ की फसलों को उपजाना मानव ने प्रारंभ किया 8000 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारो पहाड़ियाँ,
ध्यान दीजिए, गारो पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में है, या भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन से पहाड़ियाँ हैं। तो यह दो तीन प्रश्नों का जवाब हो गया कि गारो पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य पहाड़ियाँ भारत के मध्य में स्थित है। तो इसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंध्य पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में है, पूर्व क्षेत्र में है, पश्चिम क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में है कि मध्य में है। तो उसका जवाब होगा कि विंध्य पहाड़ियाँ जो है भारत के मध्य में स्थित है। या ये भी पूछ सकता है कि भारत के मध्य में कौन सी पहाड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि विंध्य पहाड़ी है भारत के मध्य में। अगला है, सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है प्रश्न भी कि सबसे पहले चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो विंध्य के उत्तर में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, ध्यान दीजिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं, यानी कि छोटी नदी है और जाकर बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। अगला है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसी पाठ से संबंधित कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध का क्षेत्र किन क्षेत्रों को कहा जाता था, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। इसका सही जवाब होगा कि गंगा के दक्षिणी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र था, उसी को मगध नाम से जाना जाता था। अगला है, हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यह भी पूछ सकता है कि प्राचीन काल में यात्रा जोखिम भरी क्यों होती थी, तो उसके कारण है कि हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़, मान लीजिए कि बीच बीच में ऊंचे पहाड़ आ जाते थे, तो उस समय तो हवाई जहाज था नहीं, इसलिए यात्रा में समस्या आती थी, या फिर बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ी है उससे भी समस्या आती थी। बड़ी बड़ी नदियां अगर हैं तो उस समय आज के जैसा कोई टेक्निकल नाव या स्टीमर भी नहीं थे, उससे भी समस्या आती थी। बीच बीच में रेगिस्तान रहता था जहाँ पानी, पेड़ पौधे भी नहीं रहते थे, तो उस समय भी यात्रा करने में काफ़ी समस्या होती थी। अतः ये जो क्वेश्चन है, चार पांच प्रश्नों का जवाब है, और यह है कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन काल में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे। तो यहाँ पे जवाब हो सकता है, अगर इसमें टच कर रहा है, कि काम के तलाश में या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मान लीजिए कि बहुत बाढ़ आ गया, इसके कारण भी लोग जगह बदल देते थे। सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं है, तभी लोग जगह बदल देते थे। बहुत सारा कारण है जिसमें मुख्य दो ही है कि जो है काम के तलाश में उनकी आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिलती थी और इसलिए भी जगह बदलते थे, या फिर प्राकृतिक विपदा के कारण जो है वो अपना स्थान जो है बदल देते थे, यानी कि जहाँ रहते थे वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे। अगला है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि एक धार्मिक गुरु जो है किस लिए एक गाँव से दूसरे गाँव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। उसका सही होगा, शिक्षा देने के लिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी कारण से लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक और भी कहा जा रहा है कि उत्सुकतावश भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, यानी कि नए नए क्षेत्रों को जानने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे, जाते थे। अगला है, यात्रा से लोगों को एक दूसरे के विचारधारा को जानने का अवसर मिलता है। जी हाँ, यात्रा से क्या लाभ हो सकता है, तो यात्रा से आपको एक
दूसरे के विचारधारा को भी जानने का आपको मौका मिलता है। अगला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये भी पूछा सकता है इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% NCERT के बुक में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जो PDF हम बनाए हुए हैं आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हम इसको लोड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमारा AB जानकारी नाम का टेलीग्राम है, वहाँ पर जाकर इसको आप लोड अभी भी करके अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। अगला है, इस बुक में पहला पाठ में पांडुलिपि के बारे में जानकारी दी गई है कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है जिसका अर्थ है हाथ से निकला, हाथ से निकला है। तो नीचे पांडुलिपि क्या होता है कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है मेनू से निकला है और जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशिष्ट तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो इसमें दो तीन प्रश्न आपका बन रहा है, इसको ध्यान से आप दो तीन बार वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक बार में समझना मुश्किल है कि पांडुलिपियाँ क्या होती है भाई। तो पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर भी लिखी जाती थी, और भुर्ज नामक पेड़ है उसके छाल को जो है विशेष तरह से उसको बनाकर उस पर लिखा जाता था। अगला है, प्रायः पांडुलिपि बल्कि पांडुलिपियाँ जो है मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। अगला है, पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में किस प्रकार की चर्चा है, तो पांडुलिपि में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडुलिपि में किस प्रकार की चर्चा है, किस प्रकार की बातें लिखी गई है। तो पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी लिखी गई है, इसके बाद राजाओं के जीवन के बारे में लिखा गया है, इसके बाद औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में विशेष प्रकार से पांडुलिपियों में चर्चा की गई है। अगला है, प्राकृतिक भाषा के प्रयोग आम लोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में कि आम लोग जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अगला है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। ये तो सामान्य क्वेश्चन है। और अगला है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व और उसके बाद को ईसवी सन कहा जाता है। तो भी आसान है कि इस जानते होंगे कि एक होता है ईसवी और एक होता है ईसवी पूर्व। तो ईसा पूर्व के बाद माने ईसा के जो है जो भगवान ईसा के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटी तो उसको जो ईसवी सन कहते हैं। तो जैसे ये है 2021 ईसवी और ईसा के जन्म के पहले की घटना को ईसवी पूर्व कहा जाता है, उनके जन्म के बाद को ईसवी और जन्म के पहले को ईसवी पूर्व कहा जाता है। ये भी दिया हुआ है उसमें, और यहाँ पे कुछ वहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है जो पूछ सकता है परीक्षा में कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व को बोलते हैं BC और उसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद है AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी मतलब होता है ईसवी। और ये आपको हम बता रहे हैं कि इस बुक में दिया हुआ है 6 का, इसलिए आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कभी कभी AD की जगह पर CE तथा BC की जगह पर BCE का प्रयोग होता है। CE का अर्थ होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये बुक में दिया हुआ है NCERT के। अगला है, मिस्र के उत्तरी तट पर उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में यूनानी तथा मिस्री लिपि में दो प्रकारों में लिखी गई है। यहाँ जानकारी आपके लिए इसलिए बता रहे हैं कि एक ही बात जो है दो तीन भाषाओं में लिखी गई है वहाँ पे, इसीलिए जो है एक की सहायता से दूसरी भाषा को भी हम आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मिस्र के उत्तरी तट पर उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों में
यूनानी तथा मिस्री लिपि में लिखी गई है। मान लें कि एक पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है श्याम हिंदी में, और उसी में लिखा हुआ है अंग्रेजी में श्याम। तो आदमी जो है श्याम लिखने का तरीका और इंग्लिश में और हिंदी में समझ सकता है कि इंग्लिश में जब श्याम ऐसे है तो हिंदी में ऐसे है, तो उसकी सहायता से दूसरे अक्षर को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और है कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पहले हुआ था, ये भी एक बार पहले ही बता चुके हैं। अगला है गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब कि मगध के बारे में जो चर्चा होती है वो घटना जो है 2500 वर्ष पूर्व हुई है। एक बात और कि और इससे ज़्यादा डिटेल समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सामान्य इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट भी नहीं और बहुत लॉन्ग भी नहीं। मुझे आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला है राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, उसे कारतूस कहा जाता था। अब ये भी पूछ सकता है कि कारतूस प्राचीन काल में क्या है, तो राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, उसे कारतूस कहा जाता था। तो इसी के साथ जो है ये जो पूरा जो मतलब कि क्लास सिक्स के जो क्वेश्चन है अतीत, हमारा अतीत पहला पाठ में जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा अतीत वन कक्षा सिक्स के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक यहीं उससे संबंधित मुख्य बातें हैं। अगर इसको दो बार सुनते हैं तो बिल्कुल ही आपका छूटेगा नहीं। अगले वीडियो में हम आपको लेसन नंबर 2 बताएंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं जो हम ये बुक में बनाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है ए बी जानकारी, वहाँ ज्वाइनिंग करके इस पीडीएफ को आप जो है आप प्राप्त करके हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई जानकारी आपको सीटेट से संबंधित मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।